प्रतिरिचि विधान पूज रही है। शिव पूजन का विधान क्या है? पुलस्त्य बाबा ने कहा, जिस दिन मन में श्रद्धा और विश्वास दोनों प्रबल हो जाए, शंकर भगवान की जैसी मर्जी पड़े वैसी पूजन कर देना। स्त्री के लिए, नारी के लिए, पुलस्त्य ऋषि कहते हैं भगवान को रिझाने के लिए विधान की जरूरत स्त्री को नहीं है। नारी को विधान नहीं। आप तो अच्छा, एक बात बताना, बहुत सुंदर बात है, थोड़ा विचार कर कर बताना। आपकी गोद में छोटा सा बच्चा है, उसने गंदगी कर दी। आप मंदिर में हैं, महाकाल दर्शन करने गए, छोटे से बच्चे ने छींची कर दी, गंदगी कर दी, जो भी करना था उसने कर दिया, आपने उसके कपड़ा चेंज कर दिया, वापिस जाओगी, नहाओगी, उसके बाद दर्शन करोगी, उसके बाद जल चढ़ाओगी क्या? जाकर नहाकर जल चढ़ाओगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा अगर गंदगी भी कर देता है, छोटा बच्चा अगर कुछ कर भी देता है, तो परमात्मा ने कह रखा है इसके लिए सब माफ है। उसी तरह आप, बच्चा काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना से दूर है जब तक वो माया में नहीं पड़ा। हाँ, उसके बाद बड़ा हो गया और उसने गंदगी करी तो आपको फिर आप स्नान करना पड़ेगा, पर जब तक वो गोदी में है, वो कुछ भी करता है, उसका कोई दोष नहीं है। आप भी, जितनी माताएं हैं, परमात्मा ने इनको कह रखा है, केवल रजस्वला धर्म के वो 7 दिन आपको शिव का स्पर्श नहीं है,